Hello Krishna, welcome to E-Times TV. Thank you Vijaya, thank you so much for having me here. Tenali Rama se pehle struggle kar rahe the apni life mein, you know, acha kaam paane ki koshish mein the and then this came. Lekin ek life actor ki jo hoti hai wo struggle bhari hi hoti hai. Aapko ek acche show ke baad dusra acha show mile iski guarantee nahi hoti aur dusra show acha mil bhi gaya to wo chale uski guarantee nahi hoti. To bilkul. You know, लॉकडाउन ने हमें हम सबको काफी कुछ सिखाया, डराया भी कि यू नो काम एकदम से बंद हो गया था सबका. तो वो पीरियड आपके लिए कैसा था कि यू नो फिर से इंडस्ट्री शुरू होगी कि नहीं, मैं फिर से काम पर जा पाऊंगा कि नहीं, पैसे आएंगे कि नहीं, हाउ वाज द पीरियड फॉर यू? ऑनेस्टली आई एंजॉयड द लॉकडाउन पीरियड क्योंकि मुझे 3 साल के बाद प्रॉपर रेस्ट मिल रहा था, सोने के लिए मिल रहा था, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कभी भी सो सकता हूँ, उठ सकता हूँ. बिकॉज My set was in Naigaon and I used to travel from Malad to Naigaon every single day. So, 3 ghante traveling ke 12 ghante aapke shooting ke. So, 15 hours maine 3 saal kaam kiya lagatar aur main actually mentally bahut thak gaya tha. Kyunki as Tenali Rama and plus my double role was also happening. I was playing mere apne bete ka role Bhaskar ka hi and Rama also. So, I was really tired. So, when this lockdown happened, I was like, oh, blessing in disguise happened. और शुरू के 2 महीने तो मैंने बड़ा आराम किया, खूब कुकिंग की, खूब खाया पिया, ऐश किया. लास्ट के महीने में थोड़ा सा लगा कि हाँ अब काम शुरू हो जाना चाहिए, मिस कर रहा हूँ काम को. लेकिन डर कभी नहीं आया कि काम शुरू होगा या नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली एक बार जब आप एक स्ट्रगल दौर से गुजर कर सक्सेस पा लेते हो ना, तो आपने बुरा भी देखा है, आपने अच्छा भी देखा है, तो आपके अंदर से वो डर निकल जाता है क्योंकि अब इतना बुरा देख लिया है कि अब उससे ज्यादा बुरा आप क्या देखोगे स्ट्रगलिंग पीरियड में. So, वो डर अभी भी नहीं है. ठीक, तेनालीरामा से पहले मेरी गुजराती फिल्म आई थी चलमन जीतवा जाइए करके, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सुपर डुपर हिट रही थी. उसकी सीक्वल हमें शूट करनी थी 2018 में. तो तेनालीरामा खत्म होते ही मुझे वो वापस आ गया. सो अब मैं बाल उगाने का वेट कर रहा हूँ. जैसे ही मेरे बाल पहले फिल्म के जितने हो जाएंगे, हम फरवरी में उसकी शूटिंग शुरू कर देंगे. सो अभी पाइपलाइन में चलमन जीतवा जाइए पार्ट 2 है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है. और टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रगल पीरियड, हाउ वाज इट? मतलब आपने खुद ही कह दिया कि आपके बिगनिंग के इयर्स स्ट्रगल भरे रहे, तो किस तरीके के यू नो रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा आपको? वाज देयर एनी वीक मोमेंट फॉर यू आल्सो? किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया, पॉजिटिव रखा और आप आगे बढ़े? और तेनालीरामा 4 साल तक पास काम नहीं था, बट बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद हैसोर प्रोडक्शन एज एक्टर डायरेक्टर असिस्टेंट राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्शन कास्टिंग डायरेक्टर. तो मैंने ये सारे डिफरेंट एरियाज ऑफ एंटरटेनमेंट भी हैंडल किए थे उस दौरान, क्रिएटिव एरिया हैंडल किए थे. बट वो 4 साल जब काम नहीं था ना, उस दौरान आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर. एंड थिएटर में क्या होता है कि पैसे नहीं होते हैं, तो एक शो होता था महीने का जिसमें 1000 रुपए मिलते थे. तो मैं लोगों से उधार ले लेकर जिंदा रह रहा था वो 4 साल तक. लेकिन वो जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन उस प्ले से मिल रहा था ना, वो बहुत अच्छा था. एंड ना मैं तेनालीरामा की सक्सेस को बहुत हद तक अपने उस स्ट्रगलिंग डेज को डिवोट करना चाहूंगा, क्रेडिट उसी को देना चाहूंगा, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखा उस स्ट्रगलिंग दौर में, उन प्लेस को करने के दौरान पे. तो आई थिंक तेनालीरामा मेरी लाइफ में लिखा हुआ था. और आई थिंक हर एक्टर की लाइफ में एक बार ऐसा एक फेज आता ही है जब आपके पास काम नहीं होता है या आप स्ट्रगल कर रहे होते हो. हमने अमिताभ बच्चन को करते हुए देखा है. अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने. बट ये है कि हमें उस पीरियड को हमेशा याद रखना चाहिए, और मैं हमेशा उस पीरियड को याद रखता हूँ और अपने सक्सेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, बिकॉज मुझे पता है कि अल्टीमेट क्या व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. राइट. लेकिन क्या आपको भी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था एट द बिगनिंग ऑफ योर करियर, एंड हाउ डिड यू यू नो स्टे पॉजिटिव? ओह यस, मुझे बहुत ज्यादा होता ये था कि जितने भी ऑडिशन देता था, मैं सब में शॉर्टलिस्ट होता था और सारे कॉल्स आते थे, सर आप शॉर्टलिस्टेड हैं, ये पैसा है, बट फाइनल कॉल नहीं आता था. सो एक बार तो मैं अपने गुजराती फिल्म के डायरेक्टर को फोन करके रोया, बहुत रोया. मैंने कहा सर मुझे लगता है मुझे एक्टिंग नहीं आती और मुझे यहाँ से वापस चल जाना चाहिए, बिकॉज आई एम लूजिंग इट नाउ और मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस जा रहा है. प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ और आप यहाँ तक पहुंच गए हो, यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी दूरी हुई है ना, वो बहुत, ये लास्ट का पार्ट बहुत मुश्किल.
हाथी निकल जाता है, पूंछ निकलनी बहुत मुश्किल होती है. और वो दौरान था जब मैंने अपने आप का अपना पैशन बनाए रखा, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे और कुछ आता ही नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग एल्स. तो इस तरह से मैंने अपने आप को अपना परसिवरेंस बनाए रखा, अपने आप को बिजी रखा, ऑक्यूपाइड रखा. डिप्रेस था थोड़ा सा, बट फिर भी कोशिश की कि मैं उससे बाहर निकलूं और काम करूं, एंड देन फाइनली एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड. जैसे हम बात कर रहे थे कि यू नो एक्टर्स की लाइफ बहुत इनसिक्योर सी होती है, क्योंकि आज काम है कल नहीं है, परसों बहुत सारा काम है, ऐसा भी होता है. फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको कि यू नो आप घर के बेटे हैं और आप जाइए, आप क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, आप जाइए, आप स्ट्रगल करिए, फैमिली का सपोर्ट रहा आपको? बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा. आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले, और इसलिए मिले हैं कि मेरे पापा खुद एक एक्टर हैं. मेरे पापा खुद एक एक्टर रह चुके हैं, तो वो रांची में, आई एम बेसिकली फ्रॉम रांची, तो रांची मेरी शुरुआत ही रांची आकाशवाणी से हुई थी. उन्होंने 4 साल की उम्र में मुझे ऑडिशन दिलवाया था, तो मैं तब से एक्टिंग कर रहा हूँ. वो अपने यंग डेज में आकर उन्होंने यहाँ पर स्ट्रगलिंग भी किया था. उन्होंने प्रकाश झा की सबसे पहली फिल्म थी, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, उन्होंने काम भी किया था छोटा सा, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. तो उनको ये पता है कि जिसको एक एक्टर बनना है उसको एक्टर ही बन नहीं कर सकता. तो मेरे सर पे ये प्रेशर कभी नहीं आया कि आप घर के बड़े बेटे होते हुए कमा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं. उनकी तरफ से मुझे पूरा आशीर्वाद था, पूरा साथ था, और आज वो बहुत खुश हैं. मैंने अभी अभी उनके लिए एक नया घर खरीदा है रांची में ही, एंड दे हैव शिफ्टेड देयर, एंड दे आर रियली रियली प्राउड ऑफ मी. ऑसम. यस. अब कृष्णा, यू नो आपने 3 साल तक एक ऐसा किरदार निभाया है जो बहुत ही अलग है, यू नो रेगुलर कैरेक्टर नहीं है जो हमें टीवी पे देखने के लिए मिलता है. What kind of roles you want to do in future now? Totally different than my cute next door guy kind of look. I am fed up of this cute. Oh, you look so cute. Oh, you look so cute. I am fed up of this cute look. तो मैं बाल उगाकर थोड़ी एक्विजिक बनाकर थोड़ी मैचो लुक में चेंज करना चाहता हूँ, और थोड़ा साइकोटिक, थोड़ा नेगेटिव, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ हीरो हीरो काइंड ऑफ पर्सन. मुझे कैरेक्टर्स रोल्स करने बहुत पसंद है जिनमें बहुत डेप्थ हो. तो इस तरह के रोल्स में लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ करने को हो. डेली सोप में एज इट इज मेल एक्टर्स के लिए हार्डली कुछ करने के लिए होता है. तेनालीरामा मिल गया, अब आई डोंट थिंक आई विल गेट एनीथिंग एज तेनालीरामा ऑन टीवी एटलीस्ट. तो वेब सीरीज मिले जहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव, कुछ साइकोटिक ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले करूँ तो मजा आएगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सो यू एग्री दैट टेलीविजन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है बिकॉज़ इट इज अ वुमन डोमिनेटेड इंडस्ट्री. यहाँ पे लोग वैसे ही शोज देखना पसंद करते हैं. यस यस यस, टोटली 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 आई एग्री टू दैट. मुझे जानना था कि आपने जैसे कहा आप यू नो अपने फ्रेंड से उधार लेकर थोड़ा टाइम आपने निकाला अपनी लाइफ का, क्या आज भी वो फ्रेंड्स हैं आपके? ओह यस, बिल्कुल है, वो ही फ्रेंड्स है, मेरे और कोई फ्रेंड है ही नहीं मेरी लाइफ में. मैं बॉम्बे में पिछले 15 सालों से हूँ, और मैं सिर्फ 3 फ्रेंड्स वो मेरे होम टाउन में है जिसके साथ में रहता हूँ. इन 3 फ्रेंड्स के अलावा मेरे और कोई फ्रेंड ही नहीं है यहाँ पर पूरे पूरे बॉम्बे में मेरे फ्रेंड नहीं है, और वही हमेशा रहेंगे. आई एम नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. मैं पार्टी वार्टी नहीं करता हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ. I'm a homebody. मैं घर में रहना पसंद करता हूँ. तो यही फ्रेंड्स हैं और यही हमेशा रहेंगे. थैंक यू सो मच कृष्णा, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर गुजराती फिल्म, एंड कीप डूइंग द गुड वर्क. थैंक यू सो मच विजया, थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय. मींस अ लॉट. थैंक यू. यू टू. बाय बाय. बाय बाय.